Hey guys, welcome back to my channel. Myself Prachi and होने वाली CM Prachi. Guys, हमारे channel पे आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले guys full on CMA final का international taxation जो कि कवर करता है 30 to 40 marks of CMA final. तो guys, ये बहुत 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 ज्यादा important chapter है for CMA final. तो आप लोग बिल्कुल भी इसको छोड़ के जाने के बारे में मत सोचना और एकदम इंटरेस्टिंग है. इंटरनेशनल टैक्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मजा आएगा. मैं जल्दी जल्दी आपको पूरा कवर करवाऊंगी विद अपना मैट का सारे क्वेश्चंस. तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो गाइस चलो समझते हैं सबसे पहले इंटरनेशनल टैक्स का क्या मतलब होता है. तो गाइस जैसे कि मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ कि टैक्स जो होता है वो एक कॉन्ट्रीब्यूशन होता है टूवर्ड्स अपनी कंट्री के लिए. अपन को जो अपन सुविधा इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इस भारत देश में रह रहे हैं, वहाँ की हर एक चीज़ को रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग्स और बहुत सारी चीज़ अपन यूज़ करते हैं जो अपन रियलाइज भी नहीं करते कि गवर्नमेंट ने हमारे लिए बनाई है, सारी फैसिलिटीज़ बनाई हैं. तो गाइस उसके लिए हम लोग जो थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं अपनी इनकम में से उसको टैक्स कहते हैं. तो गाइस इंटरनेशनल टैक्स का मतलब होता है इंटरनेशनल मतलब नेशनल मतलब विद इन इंडिया, इंटरनेशनल मतलब आउटसाइड इंडिया. ठीक है, तो बाहर के लोग, यहाँ के बाहर जाने वाले लोग और उनसे रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन इंटरनेशनल टैक्सेशंस में कवर करते हैं. ठीक है गाइस, तो आई होप आपको नाम समझ में आया होगा, एक ब्रीफ ओवरव्यू समझ में आया होगा कि कैसे क्या होने वाला है चैप्टर में. ठीक है, तो चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. देखो तो गाइस एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं. ये इंडिया है और ये यूएसए है, ये मिस्टर राम है और ये मिस्टर जॉन है. ठीक है, एक बार क्या होता है कि जो मिस्टर राम रहते हैं वो अपने कुछ हैंडी क्राफ्ट प्रोडक्ट जो कि हमारे इंडिया के बहुत ज़्यादा फेमस है वो सेल करते हैं जॉन को. ठीक है, तो ये जो ट्रांजैक्शन हुआ ये कहाँ पे हुआ मैम? ये ट्रांजैक्शन ना इंडिया से लेके यूएसए के बीच में हुआ. मैं राम हूँ मान लीजिए, तो मैंने क्या किया, मैंने हैंडीक्राफ्ट गुड सेल किया किसको, जॉन को, और जॉन ने क्या किया, मुझे पैसे दिए उसके. ठीक है, तो ये ट्रांजेक्शन ऐसे करके कंप्लीट हुआ. अब बात आती है कि टैक्स कहाँ पर लगेगा, मतलब ट्रांजेक्शन दो कंट्रीज में हुआ है, एक इंडिया में एक यूएसए में, दोनों जगह ट्रांजेक्शन हुआ है. वहां की गवर्नमेंट बोलेगी मुझे टैक्स दो, यहाँ की गवर्नमेंट बोलेगी मुझे टैक्स दो, किसको टैक्स दोगे? टैक्स दोनों जगह तो नहीं दे सकते, क्यों टैक्स देंगे हम दो दो बार, एक ही बार देंगे टैक्स तो आप बताओ कहाँ पे आपको टैक्स देने का मन है? मैम हमारे मन से थोड़ी ना चलता है. सही बात है यार, आपके मन से चलने लग गया तो आप तो बोलोगे मैम पे ही नहीं करना है मुझे करके. ठीक है, तो आपके हिसाब से वैसे भी नहीं चलने वाला, तो मैं ही बता देती हूँ. देखो गाइस जो राम है वो क्या किया है, इनकम जनरेट किया है, उसको पैसे मिले, सेल किया ना प्रोडक्ट, उसको पैसे मिले. अब पैसे मिले उसको तो उसके हाथ में ही तो इनकम जनरेट हो गई है. ठीक है, और जो जॉन है वो ट्रांजेक्शन को कंप्लीट किया है, मतलब मैम मतलब सोर्स है वो इनकम का, अगर वो नहीं होता तो इनकम भी नहीं होती, वो है इसीलिए सोर्स है. तो यूएसए की गवर्नमेंट बोलेगी देखो बिकॉज ऑफ आस यू हैव अर्न इनकम सो इट्स आर राइट टू चार्ज टैक्स ऑन आस. ओके, तो वो लोग बोलेंगे कि हमको टैक्स पे करना है, मतलब हम टैक्स चार्ज करेंगे करके. ठीक है, और इंडियन गवर्नमेंट बोलेगी नहीं इनकम तो हम अर्न किया है, इनकम तो मिस्टर राम ने अर्न किया है, तो राम पे करेगा टैक्स उस पर, तो ऐसे झगड़ा हो जाएगा या फिर डबल टैक्स लग जाएगा. तो इन सबको हटाने के लिए ही गाइस एक एग्रीमेंट आया है जिसका नाम है डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट. डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट जो दो कंट्री मिलके करती है. ठीक है, इंडिया यूएसए बैठेंगे और फिर उन डिस्कस करेंगे कि बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते रहती है आए दिन, रोज होती है, कौन टैक्स लेगा, रोज झगड़ा करने से क्या होगा, और प्रोडक्ट के प्राइस को बढ़ा देंगे डबल टैक्स करके, क्या फायदा. ठीक है, तो क्या मतलब डबल टैक्स लेने का, तो उसके लिए गाइस ये एक एग्रीमेंट होता है. ठीक है, जो कंट्रीज करती बैठ के, दोनों कंट्री साथ पे बैठेगी और करेगी ताकि डबल टैक्स अवॉइड हो पाए इन हैंड्स ऑफ टैक्स पेयर के हाथों में. ठीक है गाइस, टैक्स दो चीज पे चार्ज हो सकता है, एक तो रेसिडेंसी के ऊपर और एक तो सोर्स के ऊपर. मतलब जो इनकम की रेसिडेंसी, जैसे कि इस केस में हम लोग जो डिस्कस किए थे, ये वाला जो केस अपन डिस्कस किए थे उसमें इंडिया जो था, इंडिया का इंसान ने जनरेट किया था इनकम, तो इनकम की रेसिडेंसी इंडिया हुई थी, है ना, और इनकम कहाँ से आई थी, इनकम का सोर्स क्या था, यूएसए था. ठीक है, तो सोर्स और रेसिडेंसी दोनों पे टैक्स लगती है. ठीक है, तो अपन जो कंट्रीज, दोनों कंट्रीज है उन लोग बैठ के डिसाइड करके बताएंगे हमको
कि कहाँ पे टैक्स देना है, क्योंकि दोनों जगह हम नहीं देंगे, ठीक है? तो आप बताओ टैक्स कौन पे करेगा, राम पे करेगा या दोनों करेगा? हमको ये वाला क्वेश्चन का आंसर देना है। यहाँ पे मैम जॉन क्यों नहीं लिखे, क्योंकि गाइस सीधी सी बात है, इनकम किसको अर्न हो रही है? राम को हो रही है। इनकम टैक्स है ना, इनडायरेक्ट टैक्स तो नहीं है, इनकम टैक्स है, तो लॉजिकली तो राम को पे करना चाहिए। बट जैसे कि ट्रांजेक्शन दो चीज पे हुआ है, दो कंट्रीज पे हुआ है, और टैक्सेबिलिटी भी हम लोग सोर्स पे और रेसिडेंसी पे लगाते हैं, इसलिए क्वेश्चन उठ रहा है कि टैक्स कौन पे करेगा, ठीक है? तो हमारा जो DTAA मतलब डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है, वो हमको बताएगा कि कैसे करना है, ठीक है? तो गाइस चलो देख लेते हैं कि कितने टाइप की हमारी इनकम होती है जो कि डबल टैक्स हो सकती है, ठीक है? देखो, पहले इनकम हो सकती इकोनॉमी और दूसरी जुडिशरी, ठीक है? दो टाइप की इनकम होती है, इसको आप एमसीक्यू को आपस के लिए याद कर लो, नाम तो आपके लिए अच्छा होगा। दो टाइप की होती है, इकोनॉमिक और जुडिशरी, इकोनॉमिक और जुडिशरी, ठीक है? जुडिशियली। उसके बाद इकोनॉमिक से मतलब क्या है कि इनकम एक रहेगी, जैसे एक ही इनकम रहेगी, जैसे कि एग्जाम्पल में आप ले लो कि डिविडेंड पे करती है कंपनी जो है, कंपनी ये कंपनी है, ये डिविडेंड पे की मिस्टर ए को, ठीक है? तो कंपनी के हाथ में टैक्स लग जाता है और मिस्टर ए के हाथ में टैक्स लग जाता है। तो जब दोनों इंसान टैक्स पे करते हैं एक ही इनकम पे, तो उसको अपन कहते हैं इकोनॉमी, ठीक है? क्योंकि उसमें अपन बिजनेस इनकम मान लेते हैं और फिर इंसान की इनकम मान लेते हैं, डिविडेंड इनकम उसको अर्न हुई तो वो टैक्स पे करेगा, और बिजनेस ने पैसे कमाए तो बिजनेस टैक्स पे करेगा, तो दोनों जगह टैक्स लग जाता है, ठीक है? तो एक ही इनकम थी, डिविडेंड तो एक ही था बट टैक्स पेयर दो थे, तो उसको अपन बोलेंगे जुडिशरी, ठीक है? सॉरी सॉरी, इकोनॉमी बोलेंगे उसको अपन, ठीक है? और दूसरा टाइप का डबल टैक्सेशन कैसे होता है? जुडिशरी। तो गाइस चलो देखते हैं अपना जुडिशियल वाला जो है सेकेंड वाला टाइप डबल टैक्सेशन का, वो कैसे काम करता है। गाइस मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये वाला जो डबल टैक्सेशन लगता है ना, ये ड्यू टू ज्यूरिक्शन लगता है। ज्यूरिक्शन का मतलब मैम मतलब एरिया, मतलब गाइस देखो, जैसे कि ये वाला जो ट्रांजेक्शन अपन देखे थे राम एंड जॉन का, अपन चल के देख लेंगे, देखे थे ना अभी अपन राम एंड जॉन का, जिसमें अपन हैंडीक्राफ्ट गुड्स सेल कर रहे थे एंड देन अपन को पैसा रिसीव हो रहे थे। तो उस केस में गाइस दो ज्यूरिक्शन इन्वॉल्व थी, कौन कौन सी? एक तो अपना यूएसए इन्वॉल्व था और एक इंडिया इन्वॉल्व थी, है ना? बट ये वाले क्वेश्चन में मतलब ये वाले केस में अपना इनकम इन्वॉल्व है दो टाइप की, मतलब एक ही डिविडेंड है बट वो दो तरीके से देख पा रहे हैं अपन, एक बिजनेस इनकम और एक इंडिविजुअल की इनकम, है ना? तो ये वाले इसमें ना अपना दो अलग अलग एरिया होता है, ठीक है? देखो, गवर्नमेंट बोलेगी इंडिया को, इंडिया में मिस्टर राम आप इंडियन हो, तो बोलेगा यस मैं यहीं पे पला बड़ा हूँ, पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ यहीं पे किया हुआ और अभी अपना बिजनेस कर रहा हूँ, अच्छा खासा मेरा बिजनेस भी यहीं का है। तो उस केस में फिर वो बोलेगा अच्छा अच्छा तो रेसिडेंसी रूल लगना चाहिए आपको ना, यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ेगा। तो वो बोलेगा ठीक है मैं कर देता हूँ करके। फिर जब वो जो अपना सेल किया सामान को यूएसए में, तो यूएसए की गवर्नमेंट बोली मिस्टर राम आपने हमारे यहाँ पे सेल किया सामान, तो ऐसा कीजिए कि आप टैक्स पे कर दीजिए हमारा, क्योंकि हमारे हमारे वजह से हम ही आपके सोर्स ऑफ इनकम है और उस वजह से टैक्स आप हमको पे कर दो करके। तो गाइस ये वाला जो झगड़ा होते रहता है उसके लिए अपना डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट आया, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है? तो ये दो टाइप, आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे दो टाइप के झगड़े हो सकते हैं जिसको रिजोल्व करने के लिए कुछ रिलीफ बनाई गई है, ठीक है? तो अपन देखते हैं कैसे टाइप की रिलीफ है, ठीक है गाइस? रिलीफ को अपन ट्रीटीज भी कह सकते हैं, ये बनाई गई है ताकि डबल टैक्सेशन अवॉइड हो सके, ठीक है? तो देखो, एक बाइलेटरल होता है, एक यूनिलेटरल होता है, दो दो टाइप होता है, एक बाइलेटरल होता है, एक यूनिलेटरल होता है। बाइलेटरल का क्या मतलब होता है? दो तरफा। यूनिलेटरल का क्या होता है? एक तरफा। जैसे प्यार होता है ना, दो तरफा एक तरफा, वैसा टाइप का ही होता है। रिलीफ भी दो तरफा और एक तरफा। मैम क्या कर लो आप, क्या दो तरफा एक तरफा, हम नहीं समझ में आ रहा है। गाइस देखो, ऐसी बात है कि दो कंट्रीज है, अब वो दोनों कंट्रीज बैठ के बातचीत करके अगर कुछ सोल्यूशन निकालती है तो बायलेटरल होगी। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कंट्रीज इंटरेस्टेड ही नहीं होती, लाइक बाहर में जाओ हमको नहीं करना कोई तुम्हारे साथ बातचीत, वी आर नॉट इंटरेस्टेड, हमारे रिलेशन अच्छे नहीं होते उस कंट्री के साथ कि हम बातचीत कर सकते हैं बैठ के। तो उस केस में अपन को यूनिलेटरल बनाना पड़ता है, बिकॉज गाइस ट्रांजेक्शन तो करना ही है ना, हम चाहते ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो। तो गाइस ये वाली अगर हमारी सोच है कि हम एक्सपोर्ट बढ़ाते रहे, तो हमको डबल टैक्सेशन तो हटाना पड़ेगा ना, नहीं तो जो मिस्टर राम जैसे लोग रहेंगे उन लोग तो बोलेंगे दो दो बार टैक्स पे करने से अच्छा तो हम अपने इंडिया में ही सामान बेच देते हैं, बाहर क्यों बेचें,
है ना, तो एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए गवर्नमेंट ने दो टाइप की रिलीफ लाई है, अगर बातचीत हो सकती है तो बायलैटरल, नहीं हो सकती तो यूनिलैटरल। आई होप गाइस आपको दोनों रिलीफ के बारे में समझ में आया होगा, ऊपर ऊपर से अपन डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। देखो बायलैटरल में क्या होता है, दो मेथड है इसकी, ठीक है। एक मेथड का नाम है एग्जम्पशन, दूसरे मेथड का नाम है क्रेडिट, ठीक है। देखो बाय एग्जम्पशन मेथड में क्या होता है, रेसिडेंट कंट्री जो रहती है, मतलब हमारे केस में राम और जॉन के केस में जैसे इंडिया रहेगी, वो बोलेगी अच्छा राम आप बहुत अच्छा काम करो एक्सपोर्ट करके, हैंडीक्राफ्ट गुड्स आप बेचे, हमारी इंडिया की कितनी तारीफ हो रही है, सबको पता चल रहा है कि इंडियन इंडियन लोग कितने टैलेंटेड होते हैं, ये सब वगैरह वगैरह। उस वजह से इंडियन गवर्नमेंट बहुत खुश होकर एग्जम्प्ट कर देगी राम के हाथ में टैक्स, मतलब अब राम को सिर्फ एक जगह टैक्स पे करना पड़ रहा है USA में, तब राम भी खुश और डबल टैक्स भी नहीं लग रहा है, हमारा प्रोडक्ट जो रहता है वो एक्सपोर्ट भी हो रहा है, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं अपन एग्जम्पशन मेथड, जिसमें हमारी इंडियन गवर्नमेंट जो रहेगी, मतलब जो भी एग्जम्पशन मेथड में आता है उसमें जो एक कंट्री रहती है, जो रेसिडेंट कंट्री रहती है, जहाँ से शुरुआत होता है ट्रांजेक्शन, रेसिडेंट कंट्री, वो एग्जम्प्ट कर देती है, ठीक है। अब क्रेडिट मेथड, क्रेडिट मेथड में क्या होगा कि रेसिडेंट कंट्री मतलब इंडिया हमारे केस में, एग्जाम्पल में अपना इंडिया जो रहेगा, वो टैक्स तो लेगी बट ना वो उसका क्रेडिट दे देगी, जैसे अपन GST में क्रेडिट ले लेते हैं, है ना, वैसे टाइप का इसमें क्रेडिट दे देती है, मतलब एक बार टैक्स ले लेती है, फिर बाद में उसको क्रेडिट की तरह वापस कर देती है, ठीक है। तो ये हो गया दो मेथड अपना, एक एग्जम्पशन एक क्रेडिट मेथड। एक फ्लो चार्ट अपन देख लेते हैं, ये देखो ये एक्स कंट्री है, ये कंट्री वाई है, मिस्टर एक्स जो है वो लोग क्या करे अपना डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट में फॉल करते, तो वो क्या हुआ यहाँ से यहाँ पे फुल इनकम टैक्स पे किए और यहाँ पर भी फुल इनकम टैक्स पे किए, एंड देन बाद में उसका रिलीफ ले लेंगे, ठीक है। तो ये क्रेडिट मेथड का एग्जांपल था, ठीक है गाइस समझ में आया। यूनिलैटरल देख लेते हैं, अब यूनिलैटरल में क्या होगा, रेसिडेंट कंट्री जो रहेगी वो 100% रिलीफ दे देगी, मतलब मैम मतलब कुल मिला के एग्जम्प्ट कर दी वो, मतलब मैम मतलब गाइस इसका ये है कि हम देखो गाइस कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा सा, आपकी कंट्री है, आपको सामान बेचना है, आपको एक्सपोर्ट बढ़ाना है, मतलब आपका है तो टैक्स भी आप ही एग्जम्प्ट करोगे, रिलीफ भी आप ही दोगे ना। अगर बातचीत हो पा रही तो वेल एंड गुड, बट नहीं हो पा रही तो हमेशा गाइस आप देखना कि झुकाव हमेशा उस कंट्री में ही होगा जो कंट्री रेसिडेंट रहेगी, मतलब जहाँ से चालू हुआ है ट्रांजेक्शन, ठीक है। और इसका बहुत बड़ा लॉजिक यही है कि हर कंट्री चाहती कि उनका एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है, इस वजह से ही होता है, ठीक है। तो यूनिलैटरल में क्या होगा, 100% रिलीफ मिल जाएगी। गाइस इसके कुछ क्वेश्चन स्टडी मैट में है, हम लोग डिस्कस करेंगे एंड ऑफ द चैप्टर, ठीक है। अब आपको बता देती हूँ मैं कि ये डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट जो है वो क्यों बनाया गया, वाई क्यों। तो गाइस वैसे तो आपको पता चल ही होगा अभी तक के डिस्कशन में कि हमने ये वाला एग्रीमेंट बनाया है ताकि हम रोक पाए अपना डबल टैक्स, ठीक है, हमारे अच्छे रिलेशंस की वजह से। और बहुत सारी जगह डिफरेंट टाइप के रेट्स लगते हैं, है ना, तो जो SSC चाहता है वो हमेशा सोचता है यार लो रेट जहाँ पे रहेगा ना मैं वही टैक्स पे कर दूंगा, अच्छी बात है करके, ठीक है। तो उसके वजह से क्या होता है, टैक्स इवेशन हो जाता है ना, क्योंकि टैक्स जहाँ कम रहेगा वहीं पे करना चाहेगा वो, तो उससे टैक्स इवेशन होगा। तो इसीलिए एक एग्रीमेंट बनाना ज़रूरी है ताकि बातचीत करके अपन बैठ के फिर टैक्स पे करवाएं SEC से, और एक यूनिफॉर्मिटी रहेगी ना, सब लोग सेम टाइप के रूल्स फॉलो करेंगे तो, ठीक है, हमको एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगी कि क्या क्या एक्सचेंज हुआ है, ठीक है, और हमारे टैक्स रिकवरी में भी आसानी होगी, ठीक है। तो ये चार रीज़न है कि हम लोग को डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट क्यों बनाया है, बिना देखे चलो मेरे साथ बोलो और याद करने की कोशिश करो, थ्योरी में आ सकता है, बोलो। फर्स्ट रीज़न मैम रिलेशन अच्छे मेंटेन करना है, सेकेंड कि अगर लोअर रेट रहता है तो SSC टैक्स वेट करता है, थर्ड पॉइंट क्या था कि एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन मिलती है अपन को, एंड फोर्थ पॉइंट क्या था कि टैक्स की रिकवरी अच्छे से होती है, ठीक है। अब कुछ स्पेशल नोट्स गिवन है, अपन वो उसको देख लेते हैं क्या क्या नोट्स गिवन है। तो नोट में है कि ट्रीटेबल ओवरराइड एक्ट, मतलब गाइस अगर एक्ट पे कुछ लिखा हुआ है कि टैक्सेस से लेना है, मतलब अपने एक्ट में लिखा है ना कि जो ऑर्डिनरी रेसिडेंट रहता है वो लायबल रहता है टैक्स पे करने के लिए हमेशा हमेशा हमेशा, तो गाइस वो एक्ट में लिखा है बट ट्रीटी में तो लिखा है ना कि नहीं रेसिडेंट नहीं सोर्स रूल चलेगा, रेसिडेंट रूल नहीं चलेगा सोर्स रूल चलेगा,
याद है ना सोर्स और रेसिडेंट रूल क्या था? रेसिडेंट रूल में होता है कि रेसिडेंट जहाँ का रहेगा वहाँ टैक्स पे करेगा, और सोर्स रूल में वो रहता है कि जहाँ सोर्स रहेगा वहाँ टैक्स पे करेगा, है ना। तो अगर एक्ट में लिखा है कि रेसिडेंट के हिसाब से लगाना है, तो हमारा ये ट्रीटी जो रहेगा ना वो चलेगा। मतलब अगर ट्रीटी में लिख दिया है कि सोर्स कंट्री विल लायबल टू चार्ज टैक्स, तो फिर सोर्स रूल वाला ही टैक्स लगेगा, आपके एक्ट कुछ भी बोले नहीं फर्क पड़ता, ठीक है। बट एक केस में एक्ट की बात चल सकती है अगर एक्ट ज्यादा बेनिफिशियल हुआ तो, अगर एक्ट बेनिफिशियल है तो वो चल सकता है, अदरवाइज ट्रीटी चलेगी, ठीक है। देन नेक्स्ट है टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट। हमको एक रेसिडेंसी का सर्टिफिकेट गिवन रहेगा, इस कॉमन सेंस की बात है कि कोई भी आके कुछ भी कह देगा, कुछ प्रूफ तो होना चाहिए ना। तो फॉर द प्रूफ पर्पस हम लोग को टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। अगर कोई फॉरेन कंपनी है तो ट्रीटी का रेट ही चलेगा हमेशा, फॉरेन कंपनी के केस में ट्रीटी का रेट ही चलता है, ठीक है। तो चलो गाइस एक नए कॉन्सेप्ट में चलते हैं जिसका नाम है टैक्स हेवन। टैक्स हेवन का क्या मतलब होता है मैम? टैक्स हेवन का मतलब होता है जन्नत, जहाँ पर जन्नत जैसे महसूस हो टैक्स के प्रस्पेक्टिव से, ठीक है। मैम ये क्यों आया है, क्या ज़रूरत थी इसकी? देखो गाइस क्या होता है कि ना जो इंडिया है ना उसको टैक्स लेना बहुत पसंद है, क्योंकि गवर्नमेंट की इनकम होती है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू होता है, ठीक है। वैसे ही बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जिनको ये वाली रिवेन्यू से मतलब नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग बोलते हैं वी डोंट वांट टैक्स, हमको नहीं चाहिए टैक्स। तो वो लोग बहुत नॉमिनल एकदम 1% 2% या टैक्स ही नहीं रखते। तो गाइस उन लोग क्या करते हैं, वो लोग टैक्स को सेव कर मतलब टैक्स रखते ही नहीं है। तो जो हमारे यहाँ के जो बहुत ज़्यादा दिमाग वाले लोग हैं जिनके पास बहुत सारा ब्लैक मनी है, उन लोग क्या सोचते हैं इतना ज़्यादा ब्लैक मनी हमारे पास है, इसका 30% टैक्स हम गवर्नमेंट को कैसे देंगे, हम नहीं दे सकते। तो ये लोग क्या करते हैं ऐसी जगह में जाते हैं जहाँ पर टैक्स नहीं लगता, मतलब वो लोग जा सकते हैं साइप्रस, सिंगापुर, केप टाउन, ये सारी जगह जो है ना वहाँ जाके मस्त से अपना एक बंगलो बनाएंगे, वहाँ पर लैंड खरीदेंगे, फार्म हाउस बनाएंगे और बाकी चीज़ बनाएंगे अपने ब्लैक मनी से, और फिर वहाँ पर टैक्स पे करना होगा तो बहुत कम है, कर देंगे पे करना होगा तो, ऐसा टाइप का रहता है, ठीक है। तो टैक्स हेवन ऐसी जगह होती है जहाँ पर टैक्स के लिए जन्नत होती है, मतलब वहाँ के रेट्स बहुत कम रहते हैं, और जिनके पास बहुत ज़्यादा ब्लैक मनी होता है वो लोग वहाँ जाते हैं और आराम से अपना इन्जॉय करते हैं लाइफ को। फॉरेन ट्रिप भी हो जाती है, फॉरेन में इन्जॉयमेंट भी हो जाता है, और मेन बात तो ये रहती है इन टैक्स हेवन्स की कि इन लोग ना बदमाश होते हैं, ये लोग चाहते कि हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, तो ये लोग ना किसी को अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं। मतलब अगर शाहरुख खान का वहाँ पर अगर मान लीजिए एक बार के लिए सिंगापुर में घर है और शाहरुख खान ने किसी को नहीं बताया, ठीक है, तो उस केस में वहाँ की कंट्री से साथ आपके बहुत अच्छे रिलेशन हो, भले ही कंट्री क्यों बताएगी, नहीं बताती वो भी, ठीक है। इसलिए टैक्स हेवन ज़्यादा यूजफुल होता है, मतलब वहाँ पर आप हवाला से पैसे भेज दो, उसके बाद आपके घर बन जाएगा, आपका घर हो जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि वो आपका घर है। इंडियन गवर्नमेंट को तो नहीं पता चलेगा, भले बाकी आपके रिलेटिव्स को पता हो तो बात अलग है, ठीक है। तो वैसे ही कुछ कंट्रीज है जो टैक्स हेवन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, जानी जाती है, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं एकदम कम टैक्स रखते हैं या नॉमिनल टैक्स रखते हैं। ये लोग के यहाँ ट्रांसपेरेंसी, मतलब अगर आप वहाँ पे जाके घर बना रहे हो तो बहुत कम चांस है कि वहाँ की गवर्नमेंट किसी को भी बताएगी, आपकी इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं देगी, वो जान पूछ के मेंटेन करती है, उनकी मोनोपोली है भाई, वो टैक्स हेवन कैसे कहलाएगी अगर इन्फॉर्मेशन दे देगी तो, इसलिए वो लोग किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। आपको ज़रूरी नहीं है वहाँ पर रहना, आप यहाँ पर इंडिया में लोग आपको ज़रूरी रहता है यहाँ पर रहो, बहुत ताम झाम इंडिया में, बट वहाँ पे नहीं है। आप दुबई में जाओ टैक्स हेवन जैसे इंजॉय करो, आप रहो ना रहो, एक बोर्ड लगा दो, झूठ बोल दो, नो वन केयर्स, ठीक है। और एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे अपन करते हैं टैक्स इवेजन, टैक्स चोरी करेंगे, टैक्स की चोरी करेंगे, कैसे करेंगे मैम, हमको भी करना है, बदमाश किसी का रहे हो तुमको, बिल्कुल नहीं करना है, बस एग्ज़ाम पास करने के लिए हम लोग को जानना ज़रूरी है।
और जनरल नॉलेज के लिए भी, ठीक है। तो टैक्स चोरी कैसे करते देखो, कुछ लोग क्या करते हैं कि दुबई की रेसिडेंसी ले लेते हैं, रहते नहीं है, रेसिडेंसी ले लेते हैं बस। कुछ लोग क्या करते हैं, वहाँ पर एसेट बनवा लेते हैं, दुबई में बड़ा सा आलिशान बंगला बनवाया एकदम सुंदर, ठीक है, उसके बाद ओनरशिप ले लेंगे वहाँ की। या तो फिर क्या करते हैं, ऐसी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, मतलब कुछ कुछ काम वहाँ पे चलता है, कुछ यहाँ पे चलता है, कुछ वहाँ पे चलता है, कुछ यहाँ पे चलता है, जैसे कॉल सेंटर या इंश्योरेंस वगैरह का काम क्या करते हैं, वहाँ पर रख देते हैं, बोर्ड लगा दिए, एक थोक जगह ले गए, वहाँ पे ये सब छोटा मोटा काम करवाते हैं और बोलते हैं हमारा जो बिजनेस का पोयम है ना वो दुबई में है, ताकि क्या होगा, समझ रहे हो, ताकि क्या होगा, अगर आप बोलोगे कि मेरे बिजनेस की पोयम दुबई में है तो आपको इंडिया में टैक्स नहीं कर पाएंगे हम, है ना, तो इसलिए ऐसा करते हैं। आप रेसिडेंसी ले लो दुबई की, कैसे इंडियन गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी, नहीं लगा सकती आपके ऊपर। आप कोई भी एसेट ले लो दुबई पे, उसके आपकी जिस इनकम से आपने एसेट लिया है उस इनकम पे गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा सकती, क्योंकि आप दुबई में घर बनाए हो, कौन बताएगा जाके कि आपका घर दुबई में है, ठीक है। आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी करते हो और बोल लेते हो कि मेरा पोएम तो दुबई में है, मेरा मेन बिजनेस वहीं पे है, मेरे सारे डिसीजन वहाँ पे लिए जाते हैं, भले ही नहीं लेते होंगे बट आप ऐसे कह रहे हो ना, तो उस केस में ऐसा काम करके लोग टैक्स को चोरी करते हैं, मतलब इंडिया में टैक्स ना पे करना पड़े हाई रेट में, तो ऐसे टैक्स चोरी करते हैं। फाइनेंशियली इंटरमीडिएट्रीज लगा देते हैं, जैसे कि एग्जांपल समझो, अब देखो ये इन्वेस्टर्स हैं बेचारे, छोटे छोटे मासूम मासूम इन्वेस्टर्स हैं, इन लोग सोचे कि हमारे पास तो पैसे हैं, अब हम पैसे का क्या करें, हमारे पास तो नॉलेज नहीं है। अब पैसे होने से ज़रूरी थोड़ी ना नॉलेज भी होगी, आपके पास नॉलेज है बिकॉज आप CM है, आपको सब्सक्राइब करके रखे हो, उन लोग नहीं किए हैं इसलिए नॉलेज नहीं है उनके पास, ठीक है। तो ये लोग सोचे कि हमारे पैसे हमको स्टॉक मार्केट में लगाना है, बट उन लोगों को डर लगता है स्टॉक मार्केट में लगाने से पैसे, तो उन लोग क्या किए, वो लोग म्यूचुअल फंड को पैसे दे दिए। म्यूचुअल फंड वाला जो है ये सारे इन्वेस्टर से पैसा कलेक्ट करके इसकी सिक्योरिटीज़ में पैसे लगाएगा। अब जितना ये वाला शेयर मार्केट से म्यूचुअल फंड को अर्निंग होगी उसमें से वो कुछ कमीशन अपनी काट के इन्वेस्टर्स को दे देगा। मान लो 15% अर्न किया तो 5% अपनी कमीशन रखेगा और 10% इन्वेस्टर को दे देगा, ठीक है। ऐसे ही चलता है म्यूचुअल फंड का बिजनेस, ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ, फाइनेंशियली इंटरमीडिएट्स का जो ये म्यूचुअल फंड है ये क्या करेगा, म्यूचुअल फंड अपना जो ऑफिस है उसको क्या करेगा, टैक्स हेवन में लगा देगा। जैसे ही वो अपना ऑफिस को टैक्स हेवन में लोकेट किया, उसकी कमीशन इनकम जितनी भी हो रही है वो सारी टैक्सेबल दुबई में हो जाएगी, क्योंकि उसका बिजनेस दुबई में सेटल्ड है, ठीक है। तो वो टैक्स हेवन में टैक्स पे करेगा कितना परसेंट, 1-0 कुछ भी हो सकता है, तो समझेगा इस कैसे 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 टैक्स हेवन का बेनिफिट लोग लेते हैं। तो ये मेन चार टाइप के मेथड्स हैं जिससे लोग बेनिफिट लेते हैं। फिर से एक बार समझ लेते हैं अपन डिटेल में, रेसिडेंसी खुद शिफ्ट हो जाते हैं वहाँ पर, या तो फिर वहाँ पे ट्रेडिंग का बिजनेस करते हैं और ऐसा कहते हैं कि नहीं हमारा मेन बिजनेस यहीं पर है। फिर या तो फाइनेंसिंग का इंटरमीडिएटरीज म्यूचुअल फंड्स टाइप के काम जो रहता है उसका मेन ऑफिस जो रहता है भले वो वहाँ पर ना हो बट झूठ बोल देते हैं, ऐसा करते रहते हैं, ठीक है। और ऐसे वहाँ पे बड़ा बड़ा बंगलो इन ऑल लेके अपनी इनकम को छुपाते हैं, सोर्स को छुपाते हैं और उसके बाद टैक्स एकदम कम कम लगवाते हैं, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट क्या आपको बेवकूफ़ दिखती है, नो मैम बिल्कुल नहीं दिखती, वेरी गुड, दिखनी भी नहीं चाहिए। तो गाइस ये वाले टैक्स इवेशन के लिए हमारे पास प्रिवेंशन मेजर्स है, गवर्नमेंट के पास ऐसे ऐसे कुछ टेक्निक्स है जिससे वो क्या करेगी, प्रिवेंट करेगी टैक्स इवेशन को, यहाँ के टैक्स को खींच खींच के लाएगी और यहाँ इंडिया में टैक्स लगाएगी, ठीक है। देखते कैसे, देखो सबसे पहले क्या करेगी, CFC रेगुलेशंस, कुछ रेगुलेशंस बनाएगी जिसके जरिए जो लोग भी बाहर बदमाशी करके जाते हैं, झूठ बोल के जाते हैं, उनको खींच के लेके आएगी इंडिया में, ठीक है। फिर डाटा कलेक्शन करने की कोशिश करेगी, मतलब वो गवर्नमेंट के साथ बैठेगी, बातचीत करेगी। मोदी जी क्या करते रहते हैं, हमेशा जाके फॉरेन ट्रिप करते, इतनी क्यों करते हैं, इस वजह से करते हैं टैक्स बचा सके, ताकि डाटा कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे रिलेशन अदर कंट्रीज़ के साथ अच्छे से हो, ताकि हम लोग उनसे इन्फॉर्मेशन ले सके कि हमारे जितने भी रेसिडेंट आपके यहाँ पे बैंक में पैसे जमा करके रखे, बिल्डिंग्स लेकर रखे, आप प्लीज़ हमको बता दो, उसके लिए रिलेशन अच्छा होना चाहिए, इसलिए जाते रहते हैं वो फॉरेन ट्रिप्स में, तो समझे क्या मान रहे थे पता नहीं, ठीक है। इन्फॉर्मेशन एग्रीमेंट विद गवर्नमेंट,
ऐसे गवर्नमेंट्स रहती है वो एग्रीमेंट्स करती है दूसरी कंट्रीज की गवर्नमेंट के साथ ताकि टैक्स इवेजन बच सके, ठीक है। विथहोल्ड टैक्स TDS, मतलब TDS के कॉन्सेप्ट्स लाए कि अगर कोई भी नॉन रेजिडेंट इंडिया में आता है तो तुरंत उसका TDS काटो, अदरवाइज तुमको उसका टैक्स पे करना पड़ेगा अगर वो नहीं किया तो। डिडक्शन नहीं देते उसका, फिर डिसअलाउ कर देते एक्सपेंडिचर्स को, बहुत तामझाम करते हैं, है ना। तो विथहोल्ड टैक्स मतलब टैक्स को अपन को विथहोल्ड करना पड़ता है, मतलब TDS काटना का प्रोविजन्स लाया गया ताकि टैक्स इवेजन रुक सके। ट्रांसफर प्राइसिंग के बहुत सारे फोरम्स और ट्रांसफर प्राइसिंग के कॉन्सेप्ट्स गाइस अपन आगे वीडियोस में पक्का पढ़ेंगे, अभी के लिए आप बस मान लो कि ट्रांसफर प्राइसिंग के कारण हमारे बहुत सारे टैक्स प्रिवेंट हो जाते हैं इवेड होने से, ठीक है। उसके बाद सबसे ज़्यादा टैक्स इवेजन को बचाने के लिए फोरम्स बनाए गए कुछ कुछ ताकि अवॉइड कर सके टैक्स, हमारे सिलेबस में है नहीं इसकी डिटेलिंग, ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद फिर टैक्स ट्रीटीज, टैक्स ट्रीटीज़ बनाते गाइस, मतलब दोनों कंट्री बैठ के ट्रीटीज़ बनाएगी, अभी अपन पढ़े हैं दो टाइप का, पैसा टाइप का ट्रीटीज़ बनाती है और फिर टैक्स इवेड करने से बचाती है। बेस्ट बाय बेस्ट रेट प्रोडक्ट, ठीक है, जैसे कि बताओ कैसे करते, देखो मस्त वाला बात बताती हूँ आपको, देखो क्या होता है कि ना एक USA है और इंडिया है, इन दोनों को मन कर रहा था ट्रांजेक्शन करने का एक दूसरे के बीच में, ठीक है। इन लोग डिसाइड किए कि हम ट्रांजेक्शन करेंगे, उन लोग क्या किए सीधा ट्रांजेक्शन करते यहाँ से यहाँ तो 20% का टैक्स लग जाता, तो उन लोग बोले रुक ऐसा करते हैं USA से ना अपन मॉरिशस जाएंगे, मॉरिशस से इंडिया जाएंगे, जब USA से हम लोग मॉरिशस गए ना तो 0% टैक्स लगा और मॉरिशस से जब इंडिया आया ना तो सिर्फ 15% टैक्स लगा, तो सीधा सीधा हमारा 5% टैक्स बच गया। तो लोग क्या करते हैं बेस्ट रूट को फॉलो करते हैं और ऐसे करके टैक्स चोरी करते हैं, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हमने बोल दिया मॉरिशस का कोई काम नहीं, इसको हटाओ बीच में से, चुपचाप डायरेक्ट 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 ट्रांजेक्शन करो, ठीक है। समझ में आई बात आपको कैसे हुआ, USA और इंडिया के बीच में ट्रांजेक्शन होना था तो उन लोग क्या दिमाग लगाए, वो लोग मॉरिशस को बीच में ले आए ताकि यहाँ पे 5% टैक्स की सेविंग हो जाए, तो गवर्नमेंट ने बोला अब जब मॉरिशस कुछ नहीं कर रहा है तो इसको बीच से हटाओ और डायरेक्ट ट्रांजेक्शन करो, ठीक है, तो प्रिवेंट हुआ इसे। तो गाइस चलो CFC देख लेते अपन क्या होता है, जैसे कि गाइस अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि CFC रेगुलेशंस होते हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं टैक्स को इवोल्ड होने से बचा सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिवेंशन का एक मेजर है CFC। तो अब पढ़ते हैं CFC क्या होता है, कंट्रोल्ड फॉरेन कॉरपोरेशन, कंट्रोल्ड फॉरेन कॉरपोरेशंस मतलब फॉरेन कॉरपोरेट को कंट्रोल करेंगे हम। तो गाइस अपन ये एक प्रिवेंशन मेथड है ताकि हमारा टैक्स इवेड ना हो। तो गाइस कुछ लोग जो थे ना बहुत ज़्यादा शाणे, वो लोग क्या करते थे, जैसे कि मान लीजिए अभी के लिए इंडिया है, इंडिया में बैठा है ए लिमिटेड को टैक्स पे नहीं करना था, वो बैठे बैठे सोच रहा था क्या करूँ यार टैक्स कैसे बचाओ, इंडियन गवर्नमेंट बहुत टैक्स लेती है, मेरे को नहीं पे करना है। तो वो बोला चलो ऐसा करता हूँ मैं टैक्स हेवन दुबई में अपनी एक सब्सिडरी बना देता हूँ, ठीक है। तो टैक्स हेवन दुबई में एक सब्सिडरी बन गई। अब जैसे ही सब्सिडरी वहाँ बनी तो वो सोचा, अरे फिर मतलब गवर्नमेंट सोची ठीक है डिविडेंड तो पे करेगी, मैं टैक्स ले लूँगी। जब भी गाइस डिविडेंड पे होता ना तो डिविडेंड टैक्स लग जाता और फिर उसके ऊपर टैक्स पे करना ही पड़ता इंडियन गवर्नमेंट को। तो ए जो था ना वो बहुत ज़्यादा शाना था, ये बोला बी लिमिटेड ऐसा करो तुम मुझे डिविडेंड मत दो, तुम अपने पास ही रख रहो, एक्यूमुलेट कर लो, वैसे भी तुम और हम क्या अलग थोड़ी ना है, तुम तो मेरी सब्सिडरी हो, तुम रख लो मेरे को मत देना, मेरे को दोगी तो टैक्स लग जाएगा, मेरे को मत दो नहीं चाहिए मेरे को। तो ये लोग क्या कर रहे थे कि ये लोग डिविडेंड दे नहीं रहे थे, इधर से इधर ट्रांसफर नहीं कर रहे थे और डिविडेंड टैक्स लग नहीं पा रहा था। तो गवर्नमेंट को रही थी खुजली, उसको नहीं अच्छा लग रहा था कि यार ये क्या चल रहा है, मतलब तुम डिविडेंड नहीं ले रहे हो, लो डिविडेंड लो। ए लिमिटेड बोलेगा मेरे को चाहिए ही नहीं, मैं नहीं लूंगा, मेरे को चाहिए ही नहीं, मैं क्यों लूं। तो गवर्नमेंट बोली अच्छा मेरे सामने होशियारी, बहुत होशियारी, मतलब तुम जबरदस्ती का पहले तो बी लिमिटेड टैक्स हेवन में बनाए हो, ऊपर से तुम डिविडेंड भी नहीं ले रहे हो उससे, अब तो मैं मान लूंगी कि तुमको डिविडेंड मिल गया। ए लिमिटेड इज लाइक मतलब कुछ भी, मेरे को नहीं चाहिए डिविडेंड, मैं नहीं ले रहा हूँ। तो बोले नहीं तुमको डिविडेंड लेना पड़ेगा, और अगर तुम नहीं लोगे तो हम मान लेंगे कि तुम डिविडेंड ले लियो, हम डीम डिविडेंड का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तुमसे
टैक्स वसूल करके रहेंगे। तुम डिविडेंड लो या तुम डिविडेंड ना लो, हमारे से मतलब नहीं है। हम मान लेंगे कि तुम डिविडेंड लिए हो और तुमको टैक्स पे करना पड़ेगा उसके ऊपर। तो गाइस ऐसे करके कुछ जबरदस्ती वाले रूल्स लग जाते हैं जिसका नाम है CFC। और उसके बाद फिर जो लोग ऐसे टैक्स इवेट करते हैं ना, उनकी जेब से टैक्स निकाल के गवर्नमेंट खा लेती है उसको, समझे गाइस। तो आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आप ऐसा कर सकते हो बिकॉज इंडिया में ये रूल्स एप्लीकेबल नहीं है अभी, ठीक है। और ये अपन टैक्स रिफरल के लिए लोग यूज़ करते थे कि टैक्स आज नहीं कल पे करेंगे, कल नहीं परसों पे करेंगे, जिस दिन डिविडेंड देंगे उस दिन पे करेंगे, आज तो नहीं करेंगे, आज डिविडेंड नहीं चाहिए। तो गाइस ये सब चीज़ को हटाने के लिए ये कॉन्सेप्ट आया है जो कि इंडिया में लगता नहीं है, ठीक है गाइस। तो आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप गाइस आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज़ लाइक कीजिए, बहुत अच्छी लगती तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय गाइस।